Today we are going to start off with the second chapter of the history. The name of the chapter is the Egyptian civilization. You know one name of Hindi mein Egyptian ko kya kehte hain? Hindi mein Egyptian ka naam hai Mishra. Mishra ki civilization means sabhyata. Mishra ki sabhyata. You know why Egypt is famous? This figure, you know what is this? Ye kya hai pata hai? This is mummy. It is one of the seven wonders of the world. It is mummy. So Egypt is famous for its mummies. What are mummies? You will come and read in the chapter. You will come to know later about this in the chapter. Let's start it. A civilization arose in Egypt in the valley of river Nile. Neen Ladi jo kehte hain. Wahan peak civilization hui Egypt mein. Annual floods in the river made the adjoining flood plains. Actually it was a big river. और यहाँ पे क्या हुआ, हमेशा बाढ़ आती थी और इस बाढ़ की वजह से उसके अगल बगल जो प्लेन होता था वहाँ पे एल्यूवियम सॉइल डिपॉजिट हो जाती थी और ये सॉइल जो होती थी ये बहुत फर्टाइल होती थी एंड एनेबल द फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स थे. तो फार्मर्स वहाँ पे उसके अगल बगल रह के और वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करने लगे. विदाउट द नाइल इजिप्ट वुड हैव बीन अ डेजर्ट. कहते हैं कि अगर नील नदी ना होती तो इजिप्ट एक डेजर्ट होता. इसीलिए दैट इज़ वाई इजिप्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नाइल. इसीलिए इजिप्ट को उसका उपहार भी कहा, गिफ्ट ऑफ द नाइल. इट इज़ नोन एज वाइज द गिफ्ट ऑफ द नाइल. सोर्सेज अवर नॉलेज अबाउट द एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन. हमें किस कैसे पता चला इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में? एक तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो खुदाई हुई, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खुदाई की, इंस्क्रिप्शंस जो मिले एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो मिले उससे. दीज हैव हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्ट? मतलब द थिंग्स विच वी गेट वी ट्राई टू यूज देम एंड रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट्स विच हैपन एट दैट टाइम. हम लोग कहते हैं ना रिवाइंड करते हैं, द सेम इज रिकंस्ट्रक्ट. Origin. By 3300 BCE, villages in the Nile Valley had grown into towns. ये आज ईसा के जन्म से, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 3300 years पहले की बात है कि जब नाइल वैली में धीरे धीरे जब वहाँ पे लोग रहने शुरू हुए, उस नदी के अगल बगल लोगों ने खेती करना शुरू, धीरे धीरे वो टाउन में बदलता गया. दीज टाउन्स वेर रूल्ड बाई रिच एंड पावरफुल किंग्स होते थे वहाँ पे. इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द सिविलाइजेशन द इजिप्ट इट वॉज डिवाइडेड इन टू किंगडम्स, द अपर इजिप्ट एंड द लोअर. बट इन 3100 आफ्टर 200 ईयर्स द किंग ऑफ अपर इजिप्ट जो था उन्होंने लोअर इजिप्ट को भी अपने अंदर यूनाइट कर लिया. इट यूनाइटेड द किंगडम्स. पीरियड्स. द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पीरियड्स. द ओल्ड किंगडम, दिस पीरियड एक्सटेंड रफली फ्रॉम 2649 BCE टू 21. सम हिस्टोरियंस रिफर टू इसको, कुछ लोग एज ऑफ पिरामिड्स भी कहते हैं. द सेकेंड पीरियड इज नोन एज Middle Kingdom. This period extends from 2055 to 1700 BC. About 1650 BC, Egypt जो था उसमें invaded, उस पर आक्रमण किया था हाइकोस ट्राइब ने, कबीले थे एक हाइकोस उन्होंने. द हाइकोस रूल फॉर अ शॉर्ट पीरियड टिल 1565 BC तक उन्होंने वहाँ पे रूल किया. एंड द इजिप्शियन किंग्स दे सून रिगेन देयर लैंड. फिर इजिप्शियन किंग जो थे उन्होंने फिर से दोबारा हाइकोस ट्राइब को हरा के और अपना दोबारा से वहाँ पर कब्जा कर लिया. The New Kingdom. This period extended roughly from 15 BCE to 1070 BCE. After this, the empire entered a period of decline. Decline का मतलब खत्म होने लगा. Egypt civilization खत्म होने लगा. Social classes. Society consists of many classes. There were many classes. Social classes. Society जो थी, it consists of many classes. The सबसे ऊपर जो होते थे, the rulers were there, the kings were there. He was known as the pharaoh and he was treated as god. And the pharaoh, he was a political and religious leader. दोनों तरह से, मतलब धर्म में भी लोग उसी की सुनते थे और राजनीति में भी उसी की सुनते थे. Statues of pharaohs, they were kept in the temples and their achievements were inscribed on temple walls. मतलब they were just worshipped as gods, the pharaohs. The pharaohs took all the major decisions concerning the empire. Next came the priest. Priest means जो पादरी होते थे, जो वहाँ पे मतलब पुजारी होते थे, पूजा करते थे. Then came the nobles, और उनके नीचे आते थे nobles, जो दरबार में मंत्री, बड़े मंत्री होते थे, they were the nobles. Officials आते थे and scribes आते थे, followed by merchants. उसके नीचे आते थे traders, artisans होते थे, farmers होते थे, और सबसे नीचे the lower rung were the slaves. Then came the slaves. Slaves means गुलाम. Most of whom were prisoners, जो ज़्यादातर लड़ाइयों में prisoner मतलब जिनको कैदी बना के रखा जाता था उनको अपना गुलाम बना लेते थे ये लोग.
एनीवन अनेबल टू पे ऑफ द डेब्ट्स वाज आल्सो रिड्यूस्ड टू स्लेवरी, और जो मतलब जैसे उधार नहीं चुका पाता था उसको भी, या अपना टैक्स नहीं दे पाता था, या उसके ऊपर बहुत डेब्ट्स चढ़े होते थे, तो उसको भी ये लोग गुलाम बना लेते थे. लाइफ ऑफ द पीपल. फैमिली. द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. बर्थ ऑफ डॉटर्स वॉज वेलकम. वुमेन बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज, दे वर्कड ऑन द वुमेन्स फील्ड पे वर्क करती थी. दे लुक आफ्टर देयर हाउसेज ऑन द रिच. वुमेन जो थी उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी. मैनी ऑफ देम कुड रीड एंड राइट ऑल्सो. वी गेट रेफरेंसेज ऑफ सेम सम वेरी पावरफुल क्वींस के बारे में. मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी क्वींस भी जो थी वो बहुत पावरफुल हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वीन हताशपुष थी. हताशपुष ही वॉज क्राउन द फारो. उनको फारो बनाया गया था. क्वीन नेफरटिटी थी. ही रूल्ड विथ हर हस्बैंड अकनाहेतन. द रिच. द रिच लिव्ड इन अ बिग हाउसेज डेकोरेटेड विथ फ्रेस्कोज एंड पेंटिंग्स. द रिच मतलब ये लोग जो थे बड़े घरों में रहते थे. इनके हाउसेज दे वर वेरी रिच एंड दे वर डेकोरेटेड विथ फ्रेस्कोज. व्हाट इज फ्रेस्कोज? फ्रेस्कोज का मतलब होता है सीलिंग पे जब जो ये वाटर कलर नेचुरल वाटर कलर से जब पेंटिंग होती है फ्रेश पेंटिंग दैट इज नोन एज फ्रेस्कोज एंड पेंटिंग. द हाउस होल्ड वर्क वॉज डन बाई सर्वेंट्स और स्लेव्स. And they have servants and slaves to work in their houses. Both men and women, they wore jewelry made of gold and precious stones. They also wore wigs or head dress. मतलब wigs भी पहनते थे. The wealthier the person, the more elaborate and expensive the head dress. मतलब जो ये सर पे जितना ज़्यादा ये लोग पैसे वाले जो ज़्यादा wealth वाले होते थे पैसे वाले होते थे उतना ही अच्छा इनका head dress होता था. Cosmetics, particularly eye makeup. वॉज ऑल्सो यूज बाई बोथ मैन एंड वुमेन. मतलब इतना उस टाइम पे सी ये सब चीज़ें आज कल देखने को मिलती हैं और ये उस टाइम इतने साल पहले भी यूज़ होती थी. द पुअर. द पुअर वर्कड एज सर्वेंट्स और एज लेबरर्स. ये लोग किसकी तरह काम करते थे? लेबरर्स की तरह. इन द हाउस होल्ड. इन लोगों के घरों में. देयर हाउसेज वर स्मॉल. इनके घर छोटे होते थे. ऑफन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन रूम. द पुअर वोर ज्वेलरी मेड ऑफ चीप मेटल्स. अच्छा ये लोग भी ज्वेलरी पहनते थे बट फ्रॉम नॉट फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स बट फ्रॉम चीप मेटल्स. डेकोरेटेड विद पीसेज ऑफ ब्राइटली पेंटेड क्ले. और क्ले मिट्टी के मतलब पेंटेड क्ले टाइप के वो होते थे. अम्यूजमेंट्स. सिंगिंग एंड डांसिंग वे पॉपुलर. अम्यूजमेंट्स मीन्स मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे अपना टाइम पास के लिए? सिंगिंग डांसिंग. इट वॉज पॉपुलर फॉर्म ऑफ अम्यूजमेंट. पीपल ऑल्सो प्लेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज हार्प्स लायर्स फ्लूट्स एंड ड्रम्स ऑल्सो. सेनेट. अ बोर्ड गेम वॉज पॉपुलर. हंटिंग एंड फिशिंग वेर ऑल्सो पॉपुलर पास टाइम्स. फूड. क्या खाने पीने में ये लोग इन लोग का क्या वो था मेन? वीट मिलेट एंड बार्ले. इट वेर द मेन क्रॉप्स. ब्रेड वॉज मेड फ्रॉम वीट एंड बार्ले ऑल्सो. पीपल एट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक डेट्स ग्रेप्स एप्पल पीचेस फिग्स पोमेग्रेनेट्स ओनियंस गार्लिक टर्निप्स एंड कुकुम्बर्स. वाइन वॉज अ पॉपुलर ड्रिंक अमंग द रिच. रिलीजन. वट वॉज द रिलीजन विच दे फॉलो? द इजिप्शियंस दे वर्शिप मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस. Each god was associated with a particular aspect of life and each had a specific form. The chief god jo tha inke wo the Amun Ra, Re aur Ra. Inke son, the sun god. Wo kaun the? Sunny god, Surya Bhagwan. He was the king of all the gods and considered the source of warmth and life. Other gods that were worshipped were Thoth, the moon god represented by Abis. ये वाटर बर्ड थे. हॉरस स्काई गॉड थे रिप्रेजेंटेड बाय अ हॉक. इनको इनको रिप्रेजेंट करता था गॉड हॉरस को रिप्रेजेंट करता था एक हॉक. एन्यूबियस द गॉड ऑफ ममिफिकेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ जैकॉल. इनका एक जैकॉल रिप्रेजेंट करते थे. ईच गॉड हैड अ सेपरेट टेम्पल. हर एक गॉड के अलग टेम्पल होते थे एंड उनका अलग एक पुजारी होता था. एंड ईच सिटी हैड अ पैटर्न गॉड. और हर सिटी का अपना एक पैटर्न गॉड था. जैसे कोई सिटी जो है वो थॉट को अपना मेन गॉड मानते थे कुछ हॉरस को मानते थे कुछ एन्यूबियस को मानते थे इस तरह से. द इजिप्शियंस दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. इनकी सबसे बड़ी ये थी कि ये जो थे दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर मतलब मरने के बाद भी आदमी की एक अलग लाइफ होती है. दे कंसिडर डेथ टू बी अ टेम्प्ररी फेज बिटवीन द लाइफ एंड द नेक्स्ट. मतलब इनका कहना ये था कि डेथ जो है वो अभी की जो हमारी लाइफ है उसके और डेथ के बीच में जो फेसेस है उसके बाद का वो है. इजिप्शियंस देयरफॉर प्रिजर्व देयर डेथ बाय ममीफाइंग. इसीलिए इस सोच की वजह से कि मतलब डेथ के बाद भी लाइफ है वो क्या करते थे? ममीफाई करते थे बॉडीज़ को. दे कवर्ड द डेड बॉडी विथ हर्ब्स एंड स्पाइसेस. ममीफाई का मतलब ये कि उसको प्रिजर्व करके रखते थे. हाउ डिड दे प्रिजर्व इट? बाय यूजिंग हर्ब्स. उन पर औषधि लगाते थे मसाले लगाते थे. एंड देन रैप्ड इट विथ अ फाइन लिनन. लिनन मतलब अभी तो
लिनन बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ही पतले महीन कपड़े होते थे, बहुत ही महीन होते थे। सच अ प्रिजर्व बॉडी इज़ कॉल्ड अ ममी। इसको क्या कहते थे, ऐसे करके जो प्रिजर्व करके बॉडी रखी जाती थी उनको ममी कहते थे। द ममी वॉज पुट इन अ वुडन बॉक्स, में डाल दिया जाता था, एनक्लोज्ड इन अ स्टोन कॉफिन, कॉफिन बना के एंड देन बरीड इन अ टोम, और फिर उसको दफना दिया जाता था। उसके साथ फूड, क्लोथ, ज्वेलरी, फर्नीचर और बाकी सारी चीज़ें भी जो डेली यूज़ की होती थी, दैट वॉज ऑल्सो फिल्ड इन द टोम विद द बिलीव कि पर्सन आफ्टर डेथ वुड नीड देम इन हिज आफ्टर लाइफ। मतलब जो बाद में अभी लाइफ उसको जीनी है, मतलब डेथ के बाद, उसके लिए उसको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। द फेमस पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर एक्चुअली टोम्स ऑफ द फारोज। ऑक्यूपेशन, मोस्ट पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ओनली, फर्टाइल सॉइल थी क्योंकि बिकॉज ऑफ द नाइल रिवर, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर भी था एंड अ वास्ट इरीगेशन नेटवर्क, दैट इज़ वाई द फार्मर्स कुड ग्रो क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर। पॉटरी मेकिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ग्लास मेकिंग, कारपेंट्री, दीज वर द अदर ऑक्यूपेशंस विच दे फॉलोड, एंड फिशिंग वॉज ऑल्सो देयर। द इजिप्शियंस परफेक्टेड द यूज ऑफ द पॉटर्स व्हील। पॉटर्स व्हील यू ऑल नो, द पर्सन who use a potter uses a pottery wheel. Pottery was produced in large quantities. Skilled carpenters made beautiful articles of wood inlaid with ivory and precious stones. And the metal workers made articles, wo jo metal workers the wo gold se bani hui cheez, copper se bani hui cheeze banaye. Some people they carved statues of gods and kings also. See, this is the pick of the Great Sphinx. It is the greatest money which I have told you. It is the one of the seven wonders of the world. ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड मतलब व्यापार और उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। गुड्स वेर ट्रांसपोर्टेड ओवर लैंड बाई कैमल्स एंड डोंकीज यूज करते थे। बोट्स एंड स्मॉल शिप्स वेर ऑल्सो यूज टू सेंड गुड्स अलॉन्ग द नाइल रिवर। द मेन टर्म्स आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट इंक्लूडेड लिनन्स थे, ज्वेलरी थी एंड ग्लासवेयर थे, गोल्ड, आइवरी, ऑयल एंड वुड, दे वर द मेजर इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स मीन्स यहाँ पे आते थे, एक्सपोर्ट मीन्स जाना, लेके जाते थे दूसरी जगह, और जो दूसरी जगह से यहाँ आता था दैट इज़ इम्पोर्ट। गुड्स वेयर एक्सचेंज थ्रू बार्टर। वॉट इज़ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि थिंग्स गुड्स के बदले में गुड्स, जैसे अभी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम पैसे देते हैं, तो पैसे के थ्रू नहीं, वी पहले जो था बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब एक सामान दो और दूसरे सामान से उसको खरीदो, मतलब सामान टू सामान होता था, दैट इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। मेजर अचीवमेंट्स, आर्किटेक्चर, द इजिप्शियंस दे वर वेरी ग्रेट बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्टेड मेनी पिरामिड्स एंड टेम्पल्स बनाए। द लार्जेस्ट ऑफ द पिरामिड इज द ग्रेट पिरामिड एट गीजा and was built by Pharaoh Khufu. It is one of the seven wonders of the ancient world. Another architectural wonder is the Sphinx, a mythological figure which is the head of a man and the body of a lion. Isme kya hai? See, ye head of the man aur body ek lion ki hai. It is carved out of a single ब्लॉक ऑफ स्टोन, ये एक पत्थर था, उसी को काट काट के ये फिगर बनी है। द टेम्पल एट अबू सिम्बल इज इक्वली फेमस, बिल्ड बाई रामसेस इट इज सेकेंड। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड सच दैट ट्वाइस अ ईयर द रेज ऑफ द राइजिंग सन रीच द बैक वॉल ऑफ द इंटीरियर ऑफ द टेम्पल। मतलब ऐसा बना हुआ है कि अंदर टेम्पल के इंटीरियर वॉल में, उसके बैक वॉल पे साल में दो बार सूरज की किरणें वहाँ तक जाती हैं। Mathematics. The Egyptians, they had made great progress in the field of mathematics also. They knew fractions and they knew the decimal systems and the four basic operations of, which are the four basic operations? You all know, these are addition, subtraction, multiplication and division. Yahan tak ki they could also calculate the area and volume of the geometrical figures like rectangle, circle and cylinder also. They put their knowledge to use in the construction of, ye kaise pata chalta hai ki ye log ko geometrical idea tha? इनके पिरामिड्स को देख के हम लोग ये पता लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दे हैड द नॉलेज ऑफ द ज्योमेट्रिकल। मेडिसिन, द इजिप्शियंस दे न्यू अ लॉट अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी। ये कैसे पता चलता है? जो इन्होंने प्रिजर्व करके इनकी बॉडी जो रखते थे मम्मीफिकेशन के थ्रू, इससे पता चलता है कि मेडिसिन में भी ये बहुत आगे थे। वन ऑफ द मेडिकल बुक्स गिव्स अ डिटेल description of blood circulation in the body. The Egyptian mummies jo the, despite being thousands of years old, are still well preserved. Abhi bhi wo acche se preserved hain. And this shows their advanced knowledge of medicine. Isse unke advanced knowledge ki ka pata chalta. Astronomy. The Egyptians studied the movements of heavenly bodies
to predict natural phenomena. And they counted years by observing the stars. मतलब ये stars के ऊपर stars को study करते थे. Sirius whose appearance coincided with the beginning of the annual flood in River Nile. मतलब जब ये इस वाले stars से इनको पता चल जाता था कि अब नील नदी में वो आने फ्लड आने वाला है. दे ऑल्सो डिवाइडेड द स्काई इंटू 12 कॉन्स्टिलेशंस में डिवाइड किया हुआ था, देयर बाई बींग द फर्स्ट टू डिवाइज द जोडियाक साइंस. और इससे पता चलता है, यू नो व्हाट इज 12, आप सब जानते हैं कि देर आर 12 मंथ्स एंड ऑल द 12 मंथ्स हैव गॉट देयर जोडियाक साइंस. तो दिस मीन्स दैट दे ऑल्सो डिवाइडेड द डेज इन 12 मंथ्स एंड दे हैव अ जोडियाक साइन फॉर ईच ऑफ द मंथ. The Egyptians were also the first to devise a solar calendar also. They found that the average time between two floods in River Nile, और इन्होंने ये देखा सिर्फ stars के through, कोई उनके पास calendar नहीं था, सिर्फ stars के through. फिर उसके बाद उन्होंने दिन गिना और पता किया कि एक flood से दूसरे flood में आने में 365 days लगते थे. They also realized that the star Sirius जो थे, it appeared on the horizon when the flood reached Cairo, and this happened after every 365 days. These observations led them to conclude that a year has 365 days. The year was then, मतलब उनके पास कुछ नहीं था, कोई कैलेंडर नहीं, सिर्फ देख के कि कायरो में ये जो है फ्लड जो है वो इस उस पर पहुँचता है, सिर्फ उससे ये लोग डिसाइड कर लेते थे कि अब 365 days. And they divided into 12 months each with 30 days थे बस. 5 more days were added to the calendar to celebrate festivals. उन्होंने खाली 5 दिन अलग से ऐड किए थे for celebration of the festival. आपस में ही लड़ना and foreign invasions और बाहरी आक्रमण, जो विदेशों से आक्रमण हुआ, इसने weakened the empire and Egypt came to be conquered by the Assyrians, the Persians and the Romans. इन लोगों ने इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया, जीत लिया. The Egyptian civilization was an advanced as the other civilization of the period. The civilizations of Greece and Rome were greatly influenced by the Egyptian civilization. इससे कौन कौन से civilization जो थे वो affect हुए थे, एक ग्रीस और रोमन. इन लोगों ने इनसे इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारी चीज़ें सीख के इन्होंने भी अपने यहाँ उसको शुरू किया था, ग्रीस एंड रोम सिविलाइजेशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इजिप्शियन सिविलाइजेशंस. द नेक्स्ट कमिंग वी आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द थर्ड चैप्टर टुडे. आई विल गिव यू द ऑल द एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स. थैंक यू.